आप भी ऐसा फ्रेशली मेड जूस विदाउट एडेड एनी शुगर रोज पीना चाहते हैं वो विदाउट एनी हैसल एंड जस्ट इन फाइव मिनट्स तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली क्लीन परफेक्ट मैं अंशिका आ गई हूँ अपने साथ एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो लेके नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो रहेगा ताकि आपको पता लग सके कि जेन्यूनली वो प्रोडक्ट अच्छा है खरीदने लायक है या नहीं है आज का जो प्रोडक्ट है वो किचन डे दे टू डे डेली लाइफ को में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है देखो बहुत सारे लोग आज भी जूस uh, पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ऑल दो वी नो दैट कि फ्रूट्स डायरेक्ट फॉर्म में खाना इज़ लाइक मोर हेल्दी बट स्टिल यार बहुत सारे लोग होते हैं वो हैसल नहीं करना चाहते हैं मौसमी है अगर आप सोचें तो उसको कैसे आप खाओगे मतलब वो इतना अच्छा नहीं लगता अगर आप उसको छील के निकाल के खाना चाहोगे तो ज़्यादातर इंसान क्या करता है मौसमी और ऑरेंज का जूस ऑरेंज तो चलो फिर भी खा लेते हैं बट स्टिल मौसमी का जूस इंसान हमेशा बाहर से ही पीता है और क्या होता है बाहर जो जूस सेलर्स होते हैं वो मैक्सिमम क्या करते हैं कि शुगर डाल देते हैं आप कितना भी मना करो उनको उन्हें भी पता है कि जो मौसमी का टेस्ट है वो जनरली इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता है या उतनी अच्छी हर मौसमी निकले ये शोर वाली बात नहीं है और वो क्यों क्योंकि वो ब्लेंडर वाली मशीन ऐसे हैंड वाली मशीन यूज़ करते हैं या वो जो भी मशीन यूज़ करते हैं उसमें बीज भी पे जाते हैं तो कई बार जूस में कड़वाहट आ जाती है उसको अवॉइड करने के लिए ये लोग शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुगर सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो यार वो एक्चुअली ज़्यादा नुकसानदायक है क्योंकि फ्रूट्स की शुगर तो हार्मफुल नहीं होती है इतनी जितनी कि अगर आपने उसमें ऐड कर दी ना शुगर तो फिर उस जूस की कोई वैल्यू नहीं बचती है तो मेरे साथ भी यही थोड़ा सा स्ट्रगल था और क्या कहते हैं मैम मैं बहुत टाइम से ऐसे मौसमी का जूस निकालने के लिए तो मेरे पास एक नॉर्मल सा ना मैनुअल वाला था वैसे घुमा घुमा के निकालते हैं उसमें यार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था और ना मेरे पास जो था वो स्लिप हो जाता था और वो आप लोगों ने जनरली आप कि जिनके घरों में भी मैनुअल वाले हैं वो कभी ना कभी आपने ये प्रॉब्लम फेस की ही होगी उसके बाद मेरे पास एक छोटा सा मग वाला था जिसको घुमाना पड़ता था तो कई बार प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता था बहुत टाइम लगता था तो मतलब मुझे वही लगा कि यार कुछ तो एक सोल्यूशन होना चाहिए मैं ऐसे ही अमेजोन पर सर्च करी थी बहुत सारी चीज़ें कि हम जूस कैसे निकालने के लिए ब्लेंडर तो कोल्ड प्लस जूसर्स थे नॉर्मल जूसर्स थे यार उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था मुझे चाहिए था कोई हज़ार पंद्रह सौ के अंदर के बजट वाला जिसको मैं अगर डेली नहीं भी यूज़ कर पाऊँ बाय चांस तो मुझे इतना दुख नहीं होना चाहिए कि अरे यार मेरे पाँच हज़ार रुपये फंस गए और मैं जूसर नहीं यूज़ कर पा रही हूँ बट एनी अगर आप यूज़ कर पा रहे हो रेगुलरली तो तो बहुत ही अच्छी बात है दैट्स वाई मैंने ये प्रोडक्ट परचेज कर, करा अब चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स मैं जल्दी से बता देती हूँ कि प्रोडक्ट है क्या तो मैं बात कर रही हूँ फिलिप्स के सिट्रस प्रेस डेली कलेक्शन जूसर के बारे में ये इसका नंबर है एच आर टू सेवन नाइन नाइन इसके दो तीन वेरिएंट्स आते हैं इसका एक प्रीवियस मॉडल भी है इसका ये लेटेस्ट मॉडल भी है एक और मॉडल है इसका तो दो तीन अलग अलग मॉडल्स थे मैं तो मैंने ये स्पेसिफिकली परचेज़ किया क्योंकि मेन चीज़ इसको परचेज करने का था मैं बता देती हूँ इसका जो टैंक साइज़ है जो इसका साइज़ है वो वन लीटर है इसके बाकी जो अदर वेरियंट्स है उसका पॉइंट लाइक सिक्स हंड्रेड था प्लस एक लीटर वाले में एक चीज़ और थी कि कैप भी थी तो मतलब जैसे निकाल के अगर आपको जस्ट रखना हो तो आप ढक के इसको रख सकते हो ऐसा नहीं है अलग से बाकी सारे में कैप नहीं था तो ये दो चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे इसे लेना चाहिए कुछ दो रुपए का अंतर होगा शायद इसके अदर वेरियंट और इसमें सारों के प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में तीनों के लिंक मेंशन कर दूंगी बट मैंने जो परचेज किया है मैं उसका डिटेल्ड रिव्यू आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे ये प्रोडक्ट काम करता है हम जूस कैसे बनाते हैं किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसमें कि क्या की फिटिंग करते टाइम या इसको ऑपरेट करते टाइम कैसे इसको यूज़ करना चाहिए वो सारी चीज़ें हम लोग वीडियो के सेकेंड पार्ट में देखेंगे तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट एट द अदर पार्ट ऑफ द वीडियो देखिए तो इसमें टोटल हमें पाँच चीज़ें मिल रही हैं ठीक है मैं एक करके आपको बता देती हूँ क्या क्या है ये मेन अपना जार है जो कि एक लीटर का है और इसमें हम एक लीटर तक जूस जो है वो निकाल सकते हैं एक बार में ये उसका लिड है देन दिस इज़ मेन अपना जो हम यहाँ पे इसको फंसा के आ, हम इस पर जूस अपना निकालेंगे वो है अब इसमें भी दो कोन हैं एक छोटा एक बड़ा आप अपने जो मोसम्मी या संतरे का जो साइज होता है उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हो तो ये उसके लिए है ये एक अलग से सीप दे रखी है इन्होंने जो कि हम इसमें अटैच करेंगे और इसको करने के बाद पल्प को किस लेवल तक हमको फिल्टर करना है जूस को कितना पल्प चाहिए कितना पल्प नहीं चाहिए ये वाली चीज़ें हम निकाल सकते हैं अभी मैं इसको कनेक्ट करना बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है तो आपको ऐसा लगेगा क्योंकि नया नया होता है तो अपन को लगता है ऐसा ना हो कहीं टूट जाए तो इसको मैं समझाती हूँ आपको कैसे इसको एडजस्ट करना है नहीं भी करना है अगर आपको पल्प के साथ जूस चाहिए देखो उसमें बीज तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं सिर्फ पल्प आने वाला है तो पल्प के साथ जूस चाहिए तो आप डायरेक्टली यही यूज़ कर लेना और एल्स मैं बताती हूँ उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसके लेवल कैसे चेंज कर सकते हैं तो आप ये देख रहे हो दोनों हैं अब आपको पता है कि इस पर ये छोटी सी रॉड लगी है तो ये यहाँ पर ही फिट होने वाला है बट इसको फिट करने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे आप यहाँ पे पीछे देख पा रहे होगे अगर आप प्रॉपरली देख पा रहे हो तो एक यहाँ पे छोटा सा होल दिया हुआ है राइट एंड सिमिलरली यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल है जो कि इस पर फिट होने वाला है जाके तो हमको कुछ नहीं करना है प्रॉपरली इस, इसको यहाँ पे फंसाना है यहाँ पे रखना है मतलब सिंपली और वो जो अपना होल वाला एरिया था वहाँ पे ही डायरेक्टली बस प्रेस कर देना है इसको ठीक है तो आप थोड़ा सा इसको प्रेस करोगे तो ये देख लोगे आप आराम से इसके अंदर चला गया है और ये प्रेस हो गया है अब यहाँ पे आप ये जो तीन तीन लेवल हैं उसके ये तीन लेवल देख पा रहे हो उसके आप उसके हिसाब से आप मूव करके ये तीनों लेवल के हिसाब से पल्प ले सकते हो तो जब मैंने इसको यहाँ किया तो प्रॉपर आपको दिख रहा होगा एक लेवल में जाऊँगी थोड़े से सीप्स कम दिखेंगे फिर एक और लेवल जाऊंगी तो बिल्कुल कम है इससे क्या होगा प्योर जूस निकलेगा पल्प बिल्कुल भी नहीं आएगा तो ये इसकी खासियत है अब सिंपली हम आपको जूस निकालना बताते हैं कैसे निकालेंगे इससे तो यहाँ मैंने चार मीडियम साइज़ की मौसमीज़ ली हैं और अब हम इसका जूस निकालना स्टार्ट करते हैं सिंपली इसको जस्ट आपको प्रेस करना है इसके अलावा कुछ भी नहीं कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं अब जैसे ही आप इस पर आपके मौसमी को प्रेस करेंगे जूस निकलना स्टार्ट हो जाएगा ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लाकवाइज दोनों अपने अकॉर्डिंग रोटेट होता है यू जस्ट हैव टू होल्ड द फ्रूट तो आप संतरा मौसमी कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर एंड इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे यह सारा पल्प इकट्ठा हो गया क्योंकि मैंने जो लेवल था उसको थ्री पे सेट किया था मुझे बिल्कुल पल्प नहीं चाहिए था अपने जूस में तो इस तरीके से आप देख रहे हो नीचे कि बिल्कुल पल्प नहीं आ रहा है और पूरे मौसमी और संतरे से जूस निकल चुका है प्रॉपर ना तो जूस इज़ रेडी तो अब हम क्या करेंगे कि इसको अलग करेंगे तो अब ऐसे जस्ट आप घुमाओगे इसको तो इससे जो मशीनरी है ये अलग हो जाएगी और इसका कप वाला पोर्शन अलग हो जाएगा इसमें ये होल है तो बस मैं अलग करूँगी और अब हम इसको पोर करेंगे तो ये रहा मेरा जूस और ये रहा शाम का नजारा और अब मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना जूस अगर आपको भी ऐसे हैसल फ्री जूस बनाना है तो फटाफट से फिलिप्स का ये जूस ऑर्डर कर दीजिए एंड हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बाय बाय